ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਯਾਲੀ ਖੁਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੋਸਤ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਲੀ ਖੁਰਦ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਨਿਲ ਨਰੂਲਾ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ सरकारी गवाहों की हाजिरी में पटवारी 4000 रुपये रिश्वत लेंदे मौके पर काबू किया है। पटवारी खिलाफ मामला दर्ज कर रिश्वत के पैसे बरामद किए गए हैं और अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। अज मैं एक कंप्लेन दर्ज की थी पटवारी साहब के खिलाफ, विजिलेंस वाले ने मेरी कंप्लेंट सुनी तो कार्रवाई अगली की, मतलब काफ़ी हेल्प की उन्होंने। मैटर की थी पूरा? मैटर ये कि कोई फर्ज ते नाम वगैरह गलत हो गया सी, तो वो ठीक करवाने लिए उन्होंने मेरे को रिश्वत मांगी सी। कितनी देर तो तुसी स्ट्रगल कर रहे थी? मेरे काफ़ी वैसे अपने पर्सनल गेड़े लग गए सी, पर मैं जब उन्हें कोई कंप्लेंट लेके आई तो उन्होंने मेरी पहली बार गल सुनी। नहीं जो तुसी पटवारी साहब ने कितनी देर तो चक्कर मारे थे? महीना हो गया। की कहंदे थे? कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा जी फीस लगनी है, क्योंकि मैंने पता से सरकारी फीस तो ऊपर है। इन्होंने मांग किन्ने फीस की थी? 4000। हाँ जी। अज इन्होंने पे करनी थी? हाँ जी अज देनी थी। हाँ जी अज देनी सी, फिर पर मैं कंप्लेंट की थी, मैं उन्होंने दी नहीं। काम की सी जो? बस कुछ रोंग हो गया सी फर्ज ते, वो ठीक करवाना सी। मैडम जी पटवारखाने बैठे थे काफ़ी टाइम तो मैं देखा सी, तो इन्हों का फर्ज का कोई मैटर सी, बट पटवारी ने रिश्वत मंगी सी। उस रिश्वत में इन्होंने 4000 रुपये जो रिश्वत दी, तो इन्होंने पहले ही कंप्लेंट फाइल की हुई थी, तो विजिलेंस साहब से जिन्हें डिपार्टमेंट इन्होंने बड़ी हेल्प करके उन्होंने रंगे हाथों फड़िया। मैं मौके पर मौजूद सी। रिश्वत जी उन्होंने नाम में दुरुस्ती का रिश्वत मंगी सी उन्होंने। जी जी बिल्कुल। सर हुण की अगली कार्रवाई हो रही है? ये जी अजे कुछ पता नहीं है, तो पटवारी फिर साहब ने कहा कि असं कल कोर्ट से पेश करांगे। उन्होंने फड़ के लिया सर? जी जनाब मौके पर फड़ लिया। लुधियाना तो गौरव कुमार की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।